भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम मुझ पे पूरे तरह से निर्भर हो चुके हो, पूरे तरह से तुमने मेरे चरणों में सरेंडर कर दिया है, तो फिर भी तुम इतने चिंता क्यों करते हो? क्या तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, तुम्हारा हिम्मत हूँ, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, मेरे इस हाथ को थाम लो और मेरे साथ चलो। भरोसा तुमने मुझ पे रखा है, मैं उस भरोसे से भी शक्तिशाली हूँ। तुम्हें पीछे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। कदम में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। पहले भी तुमसे प्रेम करता था, आज भी तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में हमेशा रहूंगा, सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो, मेरी भक्ति करो और मेरे शरण में इसी तरह हमेशा से रहो। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। शायद मेरी योजना को तुम नहीं समझ पाओगे, जो भी योजना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है उस पर भरोसा रखो और अपना जीवन जीना सीखो। मन को हमेशा शांत रखो, मुझ पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण अपने भक्त से ये कहते हैं कि तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, पहले अपने अंदर झांको और मुझे वहाँ तुम पाओगे। अरे हृदय में हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत बात आए तो इसे मैं साफ करूंगा, सही करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जो भी तुम्हारे जीवन में जैसा भी कुछ हो उसे सामना करना सीखो। हाँ मंत्र का जाप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और यही महामंत्र का जाप जो तुम करते हो यही मुझे तुम्हारी ओर खींचता चला जा रहा है और मैं तुम्हारी ओर आ गया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं ही तुम्हारी सहायता करूँगा। सही सोचोगे तो इसका परिणाम भी सही होगा। जीवन में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयाँ आती रहेगी, इसका सामना करना हमें सीखना है। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये भी आप जानो, एक दूसरे के साथ में कैसे रहना है सीखो और समझो। मेरे लिए मैं जो भी कुछ करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे आनंद मिलता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है अपना जीवन जियो और इसे एंजॉय करो। कैसे एंजॉय करेंगे? प्रेम से बोलिए राधे राधे।